हेलो फाउंडर्स, तो कैसे आप लोग? आशा करता हूँ बहुत खुश एंड एक्साइटेड होंगे। जैसे कि आप जानते हो, सर का वेबिनार था जहाँ पे बहुत कुछ उन्होंने बताया, लेकिन सुबह शुरुआत में ही मैं आपको कुछ चीज़ बताना चाहूँगा कि देखो, सर बहुत नाराज़ है। ई इंडिया में जो यूट्यूबर है जो हिंदी में बात करते हैं, उन हम लोग सच में, मैं भी हूँ, मैं भी ये बोलना चाहूँगा कि हम लोग वेबिनार सुनते हैं, उसके बाद आके आप लोगों के साथ सब कुछ शेयर करते हैं, किंतु जो सही नहीं है। सर ने कल डायरेक्टली बताया कि मुझे पता नहीं है, सर ऐसे बोल रहे हैं कि मुझे पता नहीं क्या प्रॉब्लम है, मैं जो चीज़ यहाँ पर बता रहा हूँ वो चीज़ हिंदी में सब कुछ यूट्यूब में हो जा बोल देता है अपडेट्स के तौर पे, जो सही नहीं है। मैं कुछ कुछ चीज़ कंपनी का प्रोप्राइटरी चीज़ होता है जो एक्चुअली सर खुद नहीं देखते, कंपनी का अलग से मीडिया डिपार्टमेंट है जो पूरा छानबीन करते क्या कहाँ क्या बोल रहा है, कंपनी के बारे में कौन क्या बता रहा है। तो उन्होंने सर खुद बताया कि कंपनी के मीडिया डिपार्टमेंट ने आपका वीडियो सुना सब में, वहाँ पे जो जो एग्जैक्टली होते थे वो वही एग्जैक्टली हम वैसे ही बताते थे। हम के अलावा और भी यूट्यूबर है, 100 से, एसर ने खुद बोला हम किसी को जानते हो, एसर ने खुद बोला कि 100 से करीब यूट्यूबर है जो हिंदी में बात करते हैं, सब कुछ बताते हैं, जो लैंग्वेज बेरियर है तो सब कुछ बताना नहीं है, अगर सब कुछ बताना तो एसर खुद आके यूट्यूब में बोल देता ना, तो प्राइवेट वेबिनार रखने का कोई ज़रूरत नहीं था। तो बात ऐसा है कि सब कुछ हम बता नहीं सकते, कुछ गिनी चुनी बात है जो कॉमन है, पब्लिकली है, जो बता सकते हैं वही बताएंगे। अगर आपको सब कुछ जानना है, सुनना है, एसर ने क्या बताया क्या दिखा, तो आपको बैक ऑफिस जाना पड़ेगा ufounders.net पे, वहाँ पे पीटर सुरु सर अपडेट दे देगा, लिख के जो पोस्ट करते हैं वो दे देगा, वो पढ़ लेना, एंड उसके साथ साथ वीडियो रिकॉर्डेड भी आएंगे वो भी देख लेना, तो आपको समझ में आ जाएंगे। सिर्फ अपडेट, मेन जो अपडेट है जो कॉमन है वो हम दे देंगे, ठीक है? तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले मैं हूँ दीपन, आप इस वक्त मेरे चैनल दीपन ऑन पेसी पर है, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, हमेशा ऐसे ऑथेंटिकेट वीडियो आपको मिलते रहेंगे, ठीक है? और एक बात कहना चाहूँगा कि वीडियो देर में आने के लिए सॉरी, माफ़ी चाहता हूँ, मेरा तबीयत सही नहीं है इसलिए थोड़ा देर हो गया। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वी आर ऑलरेडी इन टॉप, हम ऑलरेडी टॉप पर है, ऐसे ने बताया कि हम पहले से शुरुआत ही तो टॉप से कर रहे हैं ना। आपने पहले भी बोला था कि जो दुबई का इवेंट है, जो दुबई का हमारा ऑफिस है बुर्ज खलीफा, वहां से हमारा शुरुआत हो रहा है, तो हम यहाँ से, यह हमारा स्टैंडर्ड है, वहां से हम ऊपर जा रहे हैं, तो सोचो हम कितना ऊपर जा सकते। तो वी आर इन ऑलरेडी इन टॉप, ठीक है? इसके बाद बांग्लादेश की इवेंट के बारे में बताया कि बांग्लादेश में सॉरी डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड का जो प्रॉब्लम चल रहा है मसला, वहाँ पे पेमेंट रिलेटेड कुछ कोई दिक्कत हो रहा है, प्रॉब्लम हो रहा है, मतलब कंपनी का नहीं, वो लोग कुछ घोटाला करने की कोशिश कर रहे हैं फेक डेबिट क्रेडिट कार्ड से, ऐसा कुछ बात है। तो उसके लिए एसएन ने बताया कि हम इसको सख्त हद तक पकड़ेंगे और इसका जो सॉल्यूशन है वही लीगली तरीके से करेंगे, ठीक है? इसके बाद और एक बात उन्होंने बताया कि बांग्लादेश ऑफिस का जो एक फ़ोटो वायरल हो रहा था, आपने भी सुना होगा, जो एक्टिव है बहुत, तो उसके पास पता है कि फेसबुक में बहुत एक पोस्ट वायरल हो रहा था, जाके बांग्लादेश का ऑफिस का नाम ले रहा था, वो ऑफिस सही नहीं है, ठीक है? वो ऑफिस में हमारा नहीं है, वो फेक ऑफिस है, वो किसी ने वो वायरल कर रहा था। तो ऐसे ने खुद बताया कि हमारे पास लीगल टीम है, हम रजिस्टर हो रहा है बहुत जल्दी। पहले तो हमारा एक ऑफिस था बांग्लादेश में, ऐसे ने दिखाया था, मैंने भी देखा था एक दिन, तो वो बांग्लादेश का जो ऑफिस है वो एयरपोर्ट से 5 किलोमीटर के अंदर में था, तो इसलिए वहाँ पर रूल्स है कि कोई यूएसए कंपनी या बाहर का कोई फॉरेन कंपनी यूएसए एयरपोर्ट से 5 किलोमीटर रेडियस के अंदर नहीं रहेंगे। तो इसके बाद बहुत ज़्यादा पैसा खर्च हो गया था क्योंकि ऑफिस में, फिर वो ऑफिस छोड़ने के बाद फिर से एक ऑफिस लिया गया है बांग्लादेश में जिसके ऊपर काम चल रहा है, लीगल लोग है, अटॉर्नी है जो ढाका के हैं वो लोग देख रहे हैं, एंड बहुत जल्द हमारा बांग्लादेश ऑफिस का जो वीडियो है, पिक्चर है वो आएंगे, एंड बहुत जल्दी वो वहां का जो फाउंडर है वो विजिट भी करेंगे, ठीक है? ये था बांग्लादेश ऑफिस का अपडेट। और एक बात है कि इंपॉर्टेंट जो डिजिटल इकोसिस्टम को लेकर है कि ये जो हमारा अभी जो लॉन्च हो रहा है वो डिजिटल इकोसिस्टम है, ये लॉन्च हो रहा है, इसके बाद बहुत सारे पिलर है, अगर ये पिलर मान लो तो एक पिलर ये है, इसके अलावा और भी पिलर है, स्मॉल पार्ट है ये डिजिटल इकोसिस्टम, इसके अलावा बहुत कुछ होने जा रहा है। जैसे कि उन्होंने बताया कि वो मीडिया एक डिपार्टमेंट है जो आने जा वाले है बहुत जल्दी, जहाँ पे मीडिया में क्या बहुत सारा प्रोफेसर, डॉक्टर, इंजीनियर्स, बहुत अच्छे अच्छे लोग रहेंगे जो इस डिपार्टमेंट को संभालेगा, और इसके साथ साथ कुछ मीडिया एजेंसी भी रहेगी जो हमारे मीडिया डिपार्टमेंट की एक अलग, मैंने वो मीडिया के अलग अंदर अंदर
अंदर बहुत कुछ सब डिपार्टमेंट रहेंगे, ठीक है, जो फ्यूचर में स्कूल कॉलेज एंड गवर्नमेंट से डीलिंग करेंगे इन फ्यूचर में, ठीक है, जो एजेंसी रहेंगे। तो ये बहुत सारा प्लान है जो हमारा कंपनी के पास है, एस्टर के पास है, जो फ्यूचर में आएंगे आप देखेंगे। तो इसलिए ऐसे ही नहीं बोलते वी आर इन इट, सो वी नीड एक एक करके सब कुछ आएंगे। धैर्य रखिए, पहले तो ये डिजिटल इकोसिस्टम आने दो, ठीक है। इसके बाद होता है कि 50 में हम कुछ ही हफ्ते में कॉमर्शियल होने जा रहे हैं, जस्ट कुछ हफ्ते की दूरी, आप जानते भी है वो डेट। तो अभी को ध्यान से रहो, सभी को बोल रहा हूँ कि जो वीडियो में कमेंट करते हो वो एक थोड़ा सा देख के सुन के कमेंट करो, क्योंकि बहुत क्रूशियल टाइम है। अगर अभी आईडी डिलीट हो जाए तो मुश्किल में पड़ जाओगे, ठीक है। इसके बाद आते हैं ओ बी एस को लेकर जो बात है, ओ बी एस फॉर फाउंडर्स कमिंग, जो ओ बी एस आ रहा है वो फाउंडर के लिए ही आ रहा है, ठीक है। वो पहले तो हम लोगों को दिया जाएगा, हम लोग यूज करेंगे, उसके बाद ही दूसरा को यूज करेगा। एंड उसके साथ साथ वो फाउंडर जो है वो डिसकंटिन्यू हो जाएगा, वो founders.net ये डिसकंटिन्यू हो जाएगा, और वो फाउंडर का टैब जो OBS के अंदर रहेगा, जो फाउंडर्स के लिए रहेंगे, एंड OBS ऑन पैसिव में रहेंगे। तो onpassive.com हम सर्च करेंगे, OBS में जाएंगे, वहां पे जाके हम हमारा आईडी ओपन करेंगे, देखेंगे, सुनेंगे, सब कुछ करेंगे, वो उसके अंदर ही सब कुछ है, ठीक है। OBS हमारा नए बैक ऑफिस आएंगे, ठीक है। एवरीथिंग सब कुछ जो ओ नेट प्रोडक्ट वगैरह है, ओ नेट, ओ मेल एंड ओ ब्लेस, ओ ट्रैकर, ओ ट्रीम, ओ कनेक्ट, सब कुछ OBS के अंदर मौजूद रहेंगे। हम लोग वहाँ पे सब कुछ मिल जाएंगे, उसका डैशबोर्ड अलग से होंगे, एंड वहाँ पे KYC होंगे। तो KYC को लेकर हम कुछ भी नहीं कहेंगे, ऐसा ने स्ट्रिक्टली मना कर दिया कि ऐसे लेकर कुछ भी नहीं करने का। तो बैक ऑफिस देख लेना, आपको अपडेट समझ में आ जाएगा KYC लेकर क्या बात है, ठीक है। एंड इसके बाद है फॉर मोर देन वन अकाउंट, जिसके एक से ज़्यादा अकाउंट है तो उसके लिए भी अलग कुछ प्रोसेस है, तो प्लीज़ वो ही KYC के लिए वो भी देख लेना, ठीक है। एंड आते हैं नेक्स्ट पॉइंट के बारे में, कि हमारा जो वो मेल है वो टू वीक्स के अंदर पूरा परफेक्टली हो जाएंगे। क्योंकि देखो, अगर आप सोचोगे तो ये तो पहले भी बोला था कि वो मेल ये हो जाएंगे वो हो जाएंगे, अभी टू वीक्स वन वीक, देखो वैसा बात नहीं, सब कुछ तो कंप्लीट हो चुका है, हमारा ट्रायल रन भी हो चुका है, एवरीथिंग हो चुका है। लेकिन वो मेल जो OBS के अंदर ये हो रहा है ना, वो उसका लेकर बात हो रहा है। OBS तो ओमेल तो अलग से, ठीक है, लेकिन OBS के अंदर ओमेल जा रहा है तो उसका जो कुछ और भी अपडेट्स है, कुछ और भी फीचर्स है जो SN ने ऐड करते हैं, कंटिन्यूअसली ऐड करते रहते हैं, वो उसका ही बात हो रहा है, ठीक है। तो वो टू हफ्ते के अंदर अंदर वो हो जाएंगे। ओनेट तो कल दिखाया था, लेकिन उसका वो तो कभी थोड़ा डेवलपमेंट प्रोसेस में था, वो भी हो जाएंगे, टाइमली हो जाएंगे, सब कुछ ऐसा ने बताया कि टाइमली सब कुछ चल रहा है। तो टाइमली सब कुछ टाइम के अंदर खत्म भी हो जाएंगे, हम आ भी जाएंगे, एंड वो ट्रीम भी फ्री होंगे, ठीक है। एंड वो ट्रैकर जो है वो सब्सक्रिप्शन बेस्ड होंगे, एंड वो कनेक्ट ये भी सब्सक्रिप्शन बेस्ड होंगे, लेकिन इसका सब्सक्रिप्शन फाउंडर्स के लिए एक गिवअवे रखा है कि अगर फाउंडर्स ने वो कनेक्ट खरीदता है तो उसको 90 डेज के लिए दिया जाएगा। पहले जो हम खरीदेंगे वो एक मंथ का सब्सक्रिप्शन है ना, किंतु फाउंडर्स के लिए वो 90 डेज होंगे, ठीक है। तो ये कुछ अपडेट था, ऐसा नहीं इसको गिवअवे कहा, तो ये सब कुछ आने वाले हैं टाइम लेकर। तो आप धैर्य रखिए, सब कुछ टाइम पे हो जाएंगे, अभी तो एक महीने बाकी है। बहुत कुछ बड़ा न्यूज़ आने वाला है, बहुत कुछ बड़ा होने वाला है, मुंबई इवेंट होने वाला है, वहाँ पे भी ऐसा आएंगे। आज टुडे इज 14th अक्टूबर और 2 दिन बाकी है, ठीक है, सैटरडे के बाद ही हो जाएंगे। तो ये सब कुछ होने जा रहा है, तो प्लीज़ आप धैर्य रखिए और नेगेटिव कमेंट मत कीजिए। तो आईडी डिलीट भी हो सकता है, आईडी रिमूव भी हो सकता है, हम लोगों को कुछ नहीं पता। और प्लीज़ फाउंडर को मैं एक बात कहना चाहूँगा, अगर आपको पूरा अपडेट लेना है तो बैक ऑफिस में जाओ, वीडियो देखो, पीटे सुर का अपडेट लो, वहाँ पे समझो, ठीक है। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद, ऐसे प्यार बना के रखिए।